ओम शांति योगेश भाई, कैसे ओम शांति दिनेश भाई। शांति हैं आप? शांति। कैसे हैं आप? बढ़िया। ठीक है? टर्की वाले सब ओके? अच्छा, ऑल इज ओके, थैंक देखो योगेश भाई, हमें अनुभव सुनाने के लिए सभा में हाजिर है। आपका स्वागत है। भले आप शुरू करें आपका अनुभव, क्योंकि जो पहला पार्ट हुआ उसमें, क्योंकि नोहा बहन की वजह से समय हमें कम मिला, तो आज जरूर थोड़ा हम विस्तार से सुन पाएंगे। तो योगेश जी। भाई, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू सबको कि मुझे ये चांस मिला आपको कुछ अनुभव सुनाने का। तो आई थिंक 2 वीक पहले पार्ट वन था, तो मुझे याद नहीं है मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, कि प्रोग्राम्स तो बहुत होते रहते हैं, तो अगर थोड़ा सा रिपीट हो जाए तो माफी मांगता हूँ आपसे। और ये भी आपको मालूम होगा कि यहाँ तो मैं हिंदी बोलने वाला यहाँ तो है ही नहीं, अभी मेरी हिंदी थोड़ी जैसे रस्टी हो गई, तो थोड़ी हिंदी इंग्लिश मिक्स होगी, नहीं वो तो मोस्टली आपको हिंदी ऐसा थोड़ी सी लगता है, इंग्लिश। आपकी हिंदी भी ऐसा आपको लगता है, हमें नहीं लगता है। ठीक है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ फिर भी आपको जहाँ जरूरत लगे आप ऑफ कोर्स इंग्लिश यूज कर सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, भले आप जी शुरू करें। जी तो लास्ट टाइम मैंने ये आई थिंक बताया था कि जब मैं बचपन में था तो हमारे मदर फादर के साथ मैं पहले बाबा के सेंटर में गया, तो उस टाइम मेरी हमारी उम्र थी 8 या 9 साल की। तो उस टाइम हमारे पेरेंट्स अफ्रीका से लंदन शिफ्ट हुए थे, और उस टाइम भी थोड़ा मतलब इजी नहीं था फॉरेनर्स के लिए। लंदन में थोड़े ऐसे इश्यूज थे, रेसिज्म के इश्यूज थे, और जो हमारे फादर के जो क्वालिफिकेशंस थे फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटीज वहाँ एक्सेप्ट नहीं हुए, तो थोड़ा टफ टाइम था। लेकिन बाबा बाबा के घर गए तो हमारे पेरेंट्स को लगा कि जो स्पेशली मदर जो बहुत समय से ढूंढ रही थी वो मदर को मिला। और मैं तो रोज ही जाता था पेरेंट्स के साथ शाम को सेंटर में, क्लास में बैठना, पीछे सुनना सब कुछ। तो जैसे कुछ अपब्रिंगिंग एक तो होता है ना कि जैसे एज ए पर्सन अपब्रिंगिंग होती है, लेकिन दूसरा है कि जैसे ब्राह्मीन अपब्रिंगिंग। तो मेरे दोनों लाइफ वॉज इन पैरेलल। तो एक तो जो लाइफ में सीखता है कोई व्यक्ति, स्कूल में जाता है, सोशल लाइफ में जो भी सीखता है, सोशल स्किल्स मिलती हैं, वो तो जैसे हो रहा था, लेकिन ब्राह्मीन लाइफ में भी जो भी मैं सीख रहा था, तो जैसे मेरे दोनों एजुकेशन एक साथ एक समय चल रहे थे। तो मुझे ऐसे लगता था कि बाबा से मैंने बहुत लिया है, बाबा ने बहुत दिया है मुझे, बाबा ने, यज्ञ ने, दादियों ने, मधुबन से बहुत मिला है। तो फिर यह फीलिंग आती थी कि जो इतना मिला है उसका रिटर्न कैसे देना चाहिए बाबा को, है ना, ये जैसे प्रश्न था अंदर मन में, इसका रिटर्न अभी कैसे देना है। और जो भी खजाना मिला था वो क्या मुझको अपने साथ ही रखना है या दूसरों को बांटना है, और बांटने का तरीका क्या है। तो ये जैसे मेरे प्रश्न होते थे मन में जब मैं 14-15 साल का था कि आगे लाइफ में मुझे क्या करना है, मेरी मेरी एज ए सोल एज आत्मा मेरी क्या विशेषता है। कि उस टाइम भी जो ब्राह्मीन जो मेरे साथ में थे, जो मेरे उम्र में बड़े थे, वो लगता था कि बहुत अच्छे थे सेवा में, स्पीकिंग में, सब सेवा में वो एक्सपर्ट थे। तो मेरे मन में यह प्रश्न उठता था कि तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो सब मेरे से और भी अच्छे हैं और एक्सपर्ट हैं और एक्सपीरियंस्ड हैं, तो मेरा क्या पार्ट है इसमें, इन दिस सर्विस सर्विस का मशीनरी जो है उसमें मैं क्या पार्ट ले सकता हूँ। तो ऐसे प्रश्न चलते थे।
मुझे याद है एक बार नारी जानकी मुझे कहा था कि जो तेरे में है वो किसको किसी को पता नहीं है, जो भी किसी के अंदर में होता है दूसरों को पता नहीं होता, तो जो भी अंदर है उसको निकालना है। तो यही है लाइफ, मतलब कि जैसे लाइफ इज एन अनफोल्डिंग, जैसे फूल होता है ना, फूल जस्ट ओपन्स एंड ब्लॉसम्स। तो ये मैंने ये समझा कि हर आत्मा में जो भी भरा हुआ है, स्पेशली हम आत्माओं जो देवी देवता धर्म की आत्माएं, हर एक में बहुत कुछ भरा है, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मतलब उसको बाहर निकालना और दुनिया की सेवा में लगाना। तो मुझे याद है एक बार हम जो सेंटर में मैं जाता था, वहाँ उस सेंटर का नाम था इल्फोर्ड सेंटर, ईस्ट ऑफ लंदन में। तो एक बार मुझे याद है दारी जानकी वहाँ आई थी क्लास के लिए, और मेरी ड्यूटी थी उस टाइम म्यूजिक बजाने का, है ना, योग का म्यूजिक बजाना, फिर लाइट्स ऑन करना। तो उस टाइम मेरे शायद 15 साल का था, तो एक गीत मैंने लगाया था कि उसमें एक लाइन थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये जीवन है सेवा, दुनिया की सेवा में लगाना, कुछ ऐसे शब्द था। तो जब दादी दृष्टि दे रही थी तो मैंने वही गीत लगाया था, तो मैं देख रहा था कि दादी की दृष्टि में, दादी के चेहरे में, कि सचमुच दादी की जो जीवन है इट्स फॉर द वर्ल्ड, सिर्फ दादी के लिए नहीं है या सिर्फ भारत के लिए नहीं है, लेकिन दिस इज अ वर्ल्ड सर्वर। जो भी दादी के आगे आता है उसको लगता है कि कुछ ना कुछ मिलता है। तो मेरी फीलिंग थी कि सबसे ऊंची जीवन कौन सी हो सकती है, सबसे ऊंची सेवा कौन सी हो सकती है, रूहानी सेवा, है ना। इस टाइम जब दुनिया में इतने दुख है, तो लोग तो अच्छे काम कर रहे हैं, जैसे कोई डॉक्टर्स अच्छे काम करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड वाले हैं, या जो दूसरों को खाना बांटते हैं, तो अच्छे अच्छे काम हैं। लेकिन मेरे मन में ये प्रश्न होता था कि सबसे टॉप सेवा क्या हो सकती है जिसमें मुझे इन्वॉल्व होना है। तो जब मैंने बाबा का ज्ञान भी समझा तो ये क्लियर हुआ कि सबसे ऊंची सेवा तो रूहानी सेवा है ना। जो दुनिया में जो हालत है, आज की हालत, वो कैसे पहुंची है, कैसे हालत हुई है, मनुष्य के कर्म के द्वारा ना, बिकॉज ऑफ द एक्शंस तो आज की दुनिया ऐसे बनी है। तो अगर मुझे सेवा करनी है, ना सिर्फ मतलब पॉवर्टी को या फैमिन को या करप्शन को डील करना, लेकिन जो आत्मा में जो ईगो होता है, आत्मा में जो एंगर है, जो करप्शन है, उसको निकालना है। तो पहले तो मुझे अपने आप को समझना है, अपने ऊपर पुरुषार्थ करना है, और जो भी मैंने सीखा है वो दूसरों को बांटना है। ये फीलिंग थी कि इस लाइफ में क्या करना है, रियल ह्यूमैनिटेरियन सर्विस बेस्ड ऑन बाबा की श्रीमत। और मुझे याद है एक बार जब मैं मधुबन में था, तो उस टाइम था मैं 15 या 16 साल का, तो कुछ कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो इन ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस कुछ चल रही थी, बाहर वाले लोग आए थे, बहुत गेस्ट्स थे। तो एक कुमार को बुलाया था स्टेज पे, और एक बहन कुमारी को, तो मैं था कुमार, और मुझको उन्होंने कहा था कि अपना अनुभव सुनाओ, ये विदेश में रहता है तो इस लाइफ स्टडी को आपने क्यों चूज किया। मैंने तो सबके आगे यही कहा, हम शांति भवन में था, कि मुझे ये राजयोग मैंने क्यों चूज किया, क्योंकि ये सबसे बहुत सबसे मुश्किल स्टडी है, ये सबसे मोस्ट डिफिकल्ट स्टडी इन द वर्ल्ड, तो मुझे उसको ही पास करना है। नंबर टू स्टडी नहीं करनी, नंबर वन जो स्टडी है, मोस्ट डिफिकल्ट स्टडी, मुझे वो स्टडी करना है, मुझे उसको पास करना है। तो यही फीलिंग थी कि जो भी कोई होता है ना मनुष्य, आपका कोई भी फील्ड होए, लौकिक में भी आप डॉक्टर होए या कोई इंजीनियर है या कोई एक्टर है या कोई
लॉयर है, मतलब तो हर एक का ये डिजायर होता है, हर एक व्यक्ति चाहता है कि हाउ आई कैन रीच द टॉप ऑफ माय प्रोफेशन, है ना, यू वांट टू बी द बेस्ट इन व्हाटएवर यू डू। तो मेरी ये फीलिंग थी कि ये जो पढ़ाई है ये तो भगवान पढ़ा रहा है, परमात्मा पढ़ा रहे हैं डायरेक्टली, ये सबसे ऊंची स्टडी ये है, तो इसी में तो इन्वॉल्व होना है और इसी में ऑनर है, इसी में जो इट्स ए मैटर ऑफ प्राइड, इसको फॉलो करना, स्टडी करना और पास करना। तो इस संकल्प से जो इट बिकेम क्लियर फॉर मी कि यही मेरी लाइफ होगी, स्पिरिचुअल स्टडी और स्पिरिचुअल सेवा। तो लास्ट टाइम भी मैंने यही बताया था कि जब मैं पहली बार बंधु बन गया था तो फिर इट वॉज लाइक ए स्टैम्प, स्टैम्प लग गई आत्मा में कि रियली इट्स अ वेरी ऑनरेबल लाइफ। तो उस टाइम तो तक तो मैंने दादियों से तो मिला था, लेकिन जब बाप दादा को देखा पहली बार तो वो भी इतना थ्रिलिंग, इतना इम्प्रेसिव एक्सपीरियंस था। उस टाइम तो हम मेडिटेशन हॉल में बाबा से मिलते थे, ओम शांति भवन तो नहीं था, तो आप समझ सकते हो मेडिटेशन हॉल में हम सब नीचे बैठे हैं और बाप दादा यहाँ है, हम बिल्कुल बिल्कुल आगे सब बैठे हैं, रियली लाइक ए फैमिली। तो जब बाबा की मुरली खत्म हुई तो फिर सबको एक एक भाइयों की लाइन बनी, एक बहनों की लाइन बनी और सब बाबा से टोली और दृष्टि लेने के लिए हम खड़े हुए। और उस दिन मुझे याद है ऐसे अनाउंसमेंट हुई थी कि आज बाप दादा किसी से मिलेंगे नहीं, सिर्फ दादी और दीदी से प्राइवेट बिजनेस मीटिंग होगी। तो सबको मतलब टोली और दृष्टि मिली, फिर हम सबको भगा दिया, दरवाजे बंद हो गए, हम देख रहे थे दादी और दीदी बैठे थे बाप दादा के साथ पर्सनल कुछ प्राइवेट बिजनेस मीटिंग कर रहे थे। तो मुझे याद है कि जब मैं लाइन में था टोली लेने के लिए, तो जब मैं बाप दादा के आगे आया तो पहले तो बाबा ने दृष्टि दी और उस दृष्टि में मैं खड़ा हुआ था, उस दृष्टि में बहुत क्लियर मैसेज था, बहुत क्लियर, जैसे बाबा मुझे वेलकम कर रहे थे कि मैं पहली बार इस जन्म में मधुबन गया। और बाबा ऐसे कह रहे थे आज तो नहीं मिलेंगे लेकिन दो दिन के बाद मिलेंगे। उस टाइम पे बाप दादा हर दो दिन के बाद आते थे, मतलब इतना क्लियर मैसेज था कि बाबा ने मुझे पहचाना है कि ये पहली बार आया है। और वो जो मोमेंट था, आई हैव द फोटो, आपको दिखाई देगी कि कैन यू सी, है ना, देखो बाप दादा की दृष्टि इतनी क्लियर। ये भी कमाल है, वो मोमेंट, दैट मोमेंट ऑफ रिकॉग्निशन। तो मुझे लगा कि जैसे मुझे पर्सनली बाबा ने रिकॉग्नाइज किया कि यह बच्चा पहली बार आया है इस जन्म में मिलने के लिए। आई फेल्ट कि जैसे रियली कौन आया है, ऊपर से कौन आया है मेरे को मिलने के लिए। इट वॉज रियली, मतलब कहते हैं ना इंग्लिश में गेम चेंजर। आप अपनी लाइफ में इतने प्लान्स बना सकते हो, एवरीथिंग ऑर्गेनाइज्ड, रिसोर्सेज, प्लानिंग, लेकिन कुछ ऐसी बात आती है कि इट चेंजेस द गेम, कंप्लीट गेम चेंजर। वो मेरे लिए गेम चेंजर मोमेंट था कि ये कौन है, हु इज दिस हु इज रिकॉग्नाइजिंग मी और मुझे ऐसे कह रहा है दो दिन के बाद मिलेंगे। तो फिर मिले दो दिन के बाद बाप दादा हमारी मदर के साथ। एक्चुअली मेरे पास फोटोज आज ही मुझे मिले हैं, आप देखने चाहते हो, आई होप यू कैन सी, ये नेक्स्ट वन इज हियर, देखिए। हाँ दिखाई पड़ रहा है, ये बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे थे जी। पहली मीटिंग थी वो मधुबन में, और बाप दादा ने कहा था कि भाग्य का सितारा चमक रहा है, और बाबा ने कहा छोटा सुभान अल्लाह,
ऐसे और भी कुछ कहा था, लेकिन उस टाइम तो मैंने लिखा भी नहीं और उस टाइम रिकॉर्डिंग भी नहीं होती थी, तो और भी जो दुआएं मिले थे मुझे पूरे याद नहीं है, लेकिन वो मोमेंट्स याद है। देखिए अभी कौन सोच सकता है कि ऐसे जो हमको ये चांसेस मिले थे, और अभी देखो अभी तो बाप दादा का पार्ट खत्म हो गया, लेकिन 2-3 साल पहले भी 15,000-20,000 ब्राह्मण बाबा से सिर्फ देख रहे हैं या वॉक बाय दृष्टि, लेकिन उन दिनों में पर्सनल मीटिंग जो होती थी वो तो जब भी मैं अभी सोचता हूँ तो रियली लगता है कि कितना हमारा भाग्य है कि परमात्मा डायरेक्टली ना सिर्फ मिलते हैं लेकिन खेलते हैं हमारे साथ, वरदान देते हैं, दृष्टि देते हैं, कोई सोच भी नहीं सकता। और मुझे याद है, और जो भी पुराने यहाँ उनको भी तो याद होगा कि जब बाप दादा मिलते थे ओम शांति भवन में, तो पहले तो सबको सबके लिए मुरली होती थी, तो फिर कंट्री बाय कंट्री मीटिंग और इंडिविजुअल मीटिंग, तो कभी कभी तो जैसे 5-6 बजे सुबह तक, या एक बार तो 10 बजे सुबह तक बाप दादा थे, वो होल नाइट सिटिंग। तो अनाउंसमेंट आता था कि मुरली के बाद शीलू बेन अनाउंसमेंट करती थी कि जिनों का टर्न नहीं है मिलने का, वो प्लीज डिनर भोजन के लिए जाओ और फिर वापस आओ, फिर अब तुम्हारा टर्न आएगा। हम तो सोचते थे, हम बैठ रहे हैं कि पांडव भवन के किचन में, पांडव भवन के डाइनिंग रूम में बैठ रहे हैं, हम भोजन खा रहे हैं और वहां बाप दादा बैठे हैं। अभी तो सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे कोई सीन है, भगवान वहां बैठे हैं और हम लोग यहाँ भोजन कर रहे हैं। मतलब तो सोचो क्या ये ब्राह्मण लाइफ है, कमाल की लाइफ। तो फिर नेक्स्ट में जब मैं गया था 86 में, उस टाइम जैसे उस टाइम में अकेला था, पेरेंट्स के साथ नहीं था, मदर के साथ नहीं था, तो बाबा ने जैसे 1-to-1 मीटिंग हुई, और उस टाइम बाबा ने यह कहा था कि ये अपना श्रेष्ठ भाग्य देख के हर्षित रहने वाला है, ये भाग्य इतना ऊंचा है जो आज भी भगत लोग इस भाग्य को देख के हर्षित होते हैं, और हर कर्म में हर कदम में भाग्य अनुभव होता है। ये भाग्य इतना इतना पूरा याद नहीं, इतना ऊंचा है कि सोचा भी नहीं था ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हो, समझे, कुछ ऐसे बाबा ने कहा था। और जो शब्द बाबा ने यूज किए थे वो पास्ट टेंस में, जो भाग्य बनाया है वो देख रहे हो ना, इसका मतलब है कब भाग्य बनाया था। मेरे समझ में ये था कि मैंने पिछले जन्म में एक भाग्य बनाया था जो उसका रिजल्ट अभी मिल रहा है। और दादियों ने भी और बड़े भाइयों ने भी यही कहते हैं कि मतलब पहली लाइफ में यज्ञ की आत्मा, ये मेरी फीलिंग थी कि एक तो मतलब वो नशा है कि बाबा के यज्ञ की आत्मा, लेकिन दूसरी फीलिंग ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जिम्मेवारी। तो यह भी मुझे लगता है कि जो साकार बाबा ने शुरू किया था तो हम ब्राह्मणों को उसको खत्म करना है ना, वी हैव टू कंप्लीट इट। तो साकार बाबा ने तो श्री छोड़ा 69 में, प्रदीप प्रकाश मणि विदारी जानकी बड़े बड़े दादियों ने शब्द श्री छोड़ा है, लेकिन आगे और कौन, हु विल कंप्लीट द टास्क। तो मुझे लगता है कि जो भी हम हैं हमारी तो जिम्मेवारी है, बाप दादा तो है करण करावनहार, लेकिन ये भी है कि जो भी नए नए न्यू ब्राह्मिन्स जो अभी निकल रहे हैं दुनिया में, न सिर्फ भारत में लेकिन जो विदेश में भी, तो उनको वो पालना नहीं मिलती जो पालना हमको मिली है ना, दादियों से इतनी पालना मिली है और बड़े भाइयों से इतनी पालना मिली है, वो
आज तो वो पालना अवेलेबल नहीं है. क्लासेस तो हैं, वीडियोस तो हैं, लेकिन फिर भी जो पर्सनल मीटिंग होती थी या बुक में टोली मिलता था या यू नो बड़े भाई को ये, जैसे ये है ये तो भाई साहब तो अभी तो हैं लेकिन जैसे ये मोमेंट्स थे ना, ये दिखाई दे रहा है आपको जैसे बड़े बड़े भाइयों को जैसे निर्वय भाई के साथ कहीं जाओ, दखी लेक वॉकिंग जाओ, चिट चैट करो, लुक एट द स्टार्स, मतलब वो जो स्पेशल मोमेंट्स हैं जिसको लगता है कि रियली इट्स अ वंडरफुल फैमिली. तो मुझे लगता है जो हमको मिला है वो सेम अनुभव दूसरों को करवाना है. इस दादी जानकी हमको कहती थी कि कभी दादी जानकी की इतनी एनर्जी थी लंदन में ऑक्सफोर्ड में कि दादी क्लासेस कराती थी और हम लोग थक जाते थे. दादी कहती थी कि जो बाबा ने हमको दिया ना, जो अनुभव बाबा ने हमको करवाया, मैं चाहती हूँ अब सबको वो अनुभव होए. तो इसलिए दादी में इतनी जैसे एनर्जी थी, जोश थी कि वो ही जो साकार बाबा ने उनको दिया था, शी फील्स के हर एक को वो मिलना चाहिए. तो हमको भी लगता है कि आपको इतना मिला है दादी से, अलग भाई बहनों से, तो वो दूसरों को भी बांटना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो बाबा तो हैं ऊपर, ऊपर से सब कुछ, बाबा इज कंट्रोलर, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि जो भी बाबा की फैमिली है वो हमारी फैमिली है, और जो बाबा का जो टास्क है दुनिया को सतयुग लाना, वो हमारा ही टास्क है. और मुझे लगता है कि बाबा को सबसे सबसे जास्ती कौन सी चीज बाबा चाहते हैं, व्हाट बाबा रियली वांट्स, कि जो ब्राह्मीन परिवार की जो कहते हैं क्या रोजरी कहते हैं ना, माला के दाने शुड बिकम क्लोजर एंड क्लोजर. जो ब्राह्मीन्स हैं, ब्राह्मीन्स को मतलब दे मस्ट हैव कंप्लीट यूनिटी. मुझे लगता है कि मोस्टली जो बाबा की मुरलियां चली हैं, अव्यक्त मुरलियां, यही है मैसेज कि यूनिटी होनी चाहिए, क्लोजनेस होनी चाहिए. एक तो है दुनिया को मैसेज देना, और वो तो मतलब चलेगा, और उसके लिए माइक सोल्स भी निकलेंगे और साइंस और टेक्नोलॉजी से वो तो होगा. लेकिन अभी मुझे लगता है इस समय ये है कि जो भी ब्राह्मीन्स हैं, दे मस्ट कम क्लोजर एंड क्लोजर टुगेदर इन यूनिटी एज रियली वन यूनिट. और जब वो माला तैयार हो जाएगी तो फिर देन वी आर रेडी फॉर सतयुग. सतयुग की व्हाट इज नीडेड फॉर दैट, जो भी आत्माएं अपनी अपनी पोजीशन लेनी है, नाउ इज द टाइम टू फिक्स योर सीट, अपनी पोजीशन लेने की, तो फिर ये ड्रामा आगे चलेगा. तो आजकल फीलिंग ये है. और क्या बताओ, सुनाओ, और फोटोज देखेंगे आप? फोटोज तो सबको अच्छे लगते हैं. तो ये जब मैं ऑक्सफोर्ड में होता था, ऑक्सफोर्ड सेंटर, तो आपको पता है कि वहाँ तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है. तो जब भी बड़े भाई बहने आते थे लंदन, तो दादी उनको भेजते थे ऑक्सफोर्ड. तो कहती थी, योगेश उनको बताओ, दिखाओ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. तो एक बार जगदीश भाई भी हमारे पास आए थे. ये पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है या नहीं. तो यहाँ जगदीश भाई हैं, और यहाँ है सैन एंटोनियो की, बहन का नाम भूल गया, उस सेंटर की बहन. तो जगदीश भाई, हाँ जी, हंसाबेन है क्या? हंसाबेन राइट, हंसाबेन रावल, जी जी, सैन एंटोनियो की जी. तो उस टाइम वो दोनों आए थे. तो जिस सेंटर में मैं था, तो दिस इज माई सेल्फ, उनके इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ, उनका भाषण होने वाला था. ये कौन से साल की फोटो होगा? ये है 92 कुछ ऐसे. तो या
मुझे याद है एक बार ये भी अनुभव सुना दो, जब दादी प्रकाश मणि आई थी, तो ये होगा शायद 95 या 96, ऑक्सफर्ड आई थी दादी प्रकाश मणि, और दादी और मोहिनी बहन और आई थिंक करुणा भाई भी थे और दो तीन और पार्टी आई थी। तो फिर दादी जानकी मुझे कहती है कि अपनी गाड़ी में हमको ले जाओ और टूर कराओ, ऑक्सफोर्ड का टूर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का टूर। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऐसे है कि पूरे टाउन में सेपरेट सेपरेट कॉलेजेस हैं। तो मैं तो यूज्ड टू था कि मैंने बहुत गेस्ट्स को मैं ले गया था, मुझे पता था कहाँ जाना है, गाड़ी कहाँ 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 से ले जानी है। तो उस दिन तो मैंने मेरी गाड़ी को पूरा पूरा 100% क्लीन किया, दो बार क्लीन किया, तीन बार क्लीन किया, अंदर से बाहर से। तो मैं ड्राइविंग कर रहा था, मेरे साइड में दादी प्रकाश मणि बैठी है और पीछे बैठी है दादी जानकी और मोहिनी बहन। तभी सोचो इतना VIP पैसेंजर्स बैठे हैं। तो मैं गाड़ी चला रहा था तो दादी जानकी मुझे पीछे कह रही थी कि योगेश बताओ दादी को ये कौन सी बिल्डिंग है, ये क्या है, ये क्या है, मतलब जैसे टूर गाइड बताता है ना। तो मैं तो थोड़ा शाही था कि मतलब दादी को क्या कह सकता हूँ कि दादी ये बिल्डिंग है जहाँ ये साइंटिस्ट ने पढ़ाई थी, या वो बिल्डिंग है उसमें वो हुआ। और मैं जैसे इस आंख से देख रहा था कि दादी जी थोड़ी सी थकी हुई थी, दादी का टूर बहुत हेक्टिक था। तो मैं देख रहा था कि जब जो मैं कह रहा था दादी तो ऐसे कर रही थी मतलब कि जैसे सुन रही है, लेकिन दादी की आंखें जैसे बंद हो रही थी। तो मैं सोचा था क्या कहूँ, पीछे से दादी जानकी कह रही है बताओ बताओ ये क्या है वो क्या है। और इस तरफ मैं देख रहा हूँ दादी को, मतलब दादी को रेस्ट करना है, शी फेल्ट लाइक रेस्टिंग। तो फिर मुझे याद है जब मैं गाड़ी चला रहा था तो फिर एक ट्रैफिक लाइट्स के आगे हम लोग आ गए, और ट्रैफिक लाइट्स में एक तरफ एक ओल्ड मैन था और दूसरी तरफ दूसरा ओल्ड मैन था, और दोनों को मतलब शॉर्ट साइटेड थे, उनकी आंखें से इतने दिखाई नहीं देख सकता। तो एक दूसरे को देख रहे थे कि जब वो चलेगा तो मैं चलूंगा, जब ये चलेगा तो मैं चलूंगा, मतलब कि वो लाइट को ठीक से देख नहीं सकते। तो जब दादी जी ने ये देखा, दादी प्रकाश मणि ने ये सीन देखी, तो इतनी हंसी, मतलब कह रही थी देखो वो उसको देख रहा है और वो उसको देख रहा है, इतनी हंसी। तो मुझे लग रहा था कि देखो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दादी का कुछ इंटरेस्ट नहीं है, ये प्रोफेसर यहाँ था, ये वो यहाँ वहाँ हुआ, ये था इसकी हिस्ट्री, लेकिन ये जो वेरी सिंपल सीन जो है, ऑर्डिनरी सीन, दादी को बहुत अच्छी लगी। मुझे भी अच्छा लगा कि देखो इतनी सिंपल थी दादी, कि डजंट नीड समथिंग कॉम्प्लिकेटेड, है ना, सिंपल सीन, प्योर सीन, लाइक ए चाइल्ड, जैसे बच्चा का। दादी ने बहुत हंसी और फिर मोहिनी बहन भी हंसने लगी कि दादी को क्या किस चीज की हंसी आ रही है। ये बहुत स्वीट सीन थी कि मतलब दादियों के साथ होना। और मुझे याद है वो भी जब मुझे गाड़ी मिली थी, इट वॉज एक्चुअली वाइट फोर्ड एस्कॉर्ट, तो जहाँ मैं जॉब करता था ऑक्सफोर्ड में, एक्चुअली वो गाड़ी हमारी बॉस की थी। और मैंने एक बार दादी जानकी को कहा था कि दादी मैं गाड़ी लेने वाला हूँ, कि दादी ने मुझे कहा था गाड़ी लेना, तो मैंने कहा था कि मेरी बॉस की गाड़ी है और इतना प्राइस मांग रहा है, ऐसी ऐसी है। तो दादी ने कहा कि यहाँ लाओ गाड़ी, यहाँ लाना। तो मेरा जॉब था, सर्विस जो मैं करता था ऑक्सफोर्ड सिटी में और ग्लोबल हाउस जहाँ दादी थी, रिट्रीट हाउस में, तो वहाँ मतलब 10-15 मिनट का रास्ता था। तो फिर मैंने अपने बॉस को कहा था कि हमारी जैसे सीनियर सिस्टर, सीनियर टीचर को पहले गाड़ी देखनी है बिफोर आई परचेस।
तो मुझे वो मुझे ले गया वहां ग्लोबल हाउस. तो फिर दादी नीचे आई गाड़ी देखने के लिए, चेक करने के लिए. तो फिर वो कहती है, मेरे बॉस को कहती है कि मुझे ले जाओ. तो मुझे लगा कि बॉस गाड़ी में बैठा है और फिर मैं चलाने लगा और दादी गाड़ी में चल रही है. तो ये भी मतलब सरप्राइजिंग सीन. बॉस को भी लगा कि ये कौन है. वो इंग्लिश मैन था बॉस, लेकिन उसको लगा ये कौन है, ये ओल्ड लेडी तुम्हारी टीचर जो हमको चला रही है. तो फिर दादी ऐसे मतलब पर्सनल अटेंशन देती थी. फिर दादी ने मुझे जैसे ये ब्लेसिंग दी कि हाँ ठीक है, ये गाड़ी ठीक है, ले लो इसको. तो जब मैंने ले ली तो फिर दादी ने स्टिकर लगाया शिव बाबा का. और फिर मैं बार बार दादी को ले जाता था लंदन से ऑक्सफर्ड या कहीं यहाँ वहाँ. तो सीखने को बहुत मिला था. एक तो होता है ना क्लास में बैठ के सीखना, वो तो ठीक है, क्लासेस सुनना दैट्स वेरी गुड और वो तो हमको करना ही है, क्लासेस सुनना ही है. लेकिन जो पर्सनल जो मिलता है चिट चैट ट्रैवलिंग में, वो कुछ अलग ही होता है. और कभी चांसेस होते थे कि सिर्फ दादी और मैं गाड़ी में होते थे, कभी और लोग भी होते थे. उस टाइम तो हंसा बहन भी इतना ब्राह्मणी का सेवा उस टाइम नहीं थी. दादी की हेल्थ थी तो शी वॉज ट्रैवलिंग अलोन, इंडिपेंडेंट थी. तो कभी कभी बात में चिट चैट होती थी और कभी दादी कहती थी कि दिल में क्या बात है, दिल की बात सुनाओ, कुछ है अंदर में, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है. और ये मैंने कभी नहीं देखा कि दादी ने कहा कि अभी मुझे रेस्ट करना है, अभी नहीं बात करो. जब भी कुछ भी पूछना है एनी टाइम प्यार है ना. ये रियली लगा कि जैसे ना सिर्फ मदर का रूप था लेकिन फ्रेंड का रूप भी लगता था ना. कि फ्रेंड क्या है, फ्रेंड है जो आपको यू कैन टेल एनी सीक्रेट टू योर फ्रेंड. फ्रेंड भी कहेगा जो यू नीड सम हेल्प, कुछ चाहिए है मुझको, कुछ कर सकती हूँ. यही फीलिंग्स थी कि बाबा भी ऐसे थे. ब्रह्मा बाबा ने दादियों को जो इतनी पालना दी है, मुझे लगता था कि जब मधुबन जाते थे ना पहले पहले, तो सुनते थे कि जो भी जिसने भी बाबा से पर्सनल मीटिंग की थी साकार बाबा से, ने दिल से वो लोग बात करते थे कि बाबा ऐसे थे और मुझे ये अनुभव हुआ. या जो भी कोई व्यक्ति 5 मिनट भी बाबा के साथ मिले तो ऐसे बात करते थे कि जैसे उनको सब कुछ मिल गया. तो मेरे संकल्प में ये चलता था कि ऐसे कैसे ये व्यक्ति हो सकता है कि एवरीवन लव्स हिम सो मच, हाउ इज इट पॉसिबल. तो जब मैंने दादी जानकी को अच्छी तरह से मैं जानने लगा तो फिर मुझे पता लग गया कि हाउ इट्स पॉसिबल कि हर एक को इतना केयर देना, इतना रिगार्ड देना, इतना फीलिंग ऑफ आई एम हियर फॉर यू, है ना, इतना सपोर्ट देना कि इतने लोगों को, ना सिर्फ 5-6 लोग 10 लोगों को, लेकिन सबको पर्सनल फीलिंग देनी. तो ये प्रैक्टिकल मैंने देखा था दादी जानकी में कि हाउ टू गिव द फीलिंग ऑफ केयरिंग. तो ये भी जब ये अनुभव हमको याद आते हैं, मेमोरीज याद आती हैं, तो लगता है कि मुझे इतना क्यों मिला है, इसको क्या करना है. अभी जो भी मिला है वो बांटना तो ये है ना, दूसरों को बांटना है. भाग्य को अपने आप नहीं रखना चाहिए, भाग्य को जरूर दूसरों को बांटना चाहिए, उसी से तो बढ़ता है. तो ये जैसे हमारी ब्राह्मीण परिवार का कल्चर है, मधुबन का कल्चर है, टू शेयर, टू अपलिफ्ट, दूसरों को ऊंचा उठाना, दूसरों को कहना पहले आप, ये ब्राह्मीण जीवन का कल्चर है. तो मुझे भी लगता था इतना प्राइड है टू बी पार्ट ऑफ दिस ब्राह्मीण फैमिली कि दुनिया का तो इतना क्वालिफिकेशंस नहीं है. जैसे मैं लास्ट वीक में बता रहा था कि मैं यूनिवर्सिटी स्टडीज में नहीं गया, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस नहीं की, तो लगता था थोड़ा थोड़ा था कि मैंने कुछ मिस किया, आई शुड हैव डन. लेकिन जब मैंने ये फीलिंग देखी, ये देखा कि ब्राह्मीण परिवार क्या है,
मतलब इट्स द हाईएस्ट पर्सनालिटी, और मधुबन ऐसी जगह है जो जो भी वहां जाता है उनका दिल पिघल जाता है, उससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। और देखेंगे आप आपको पहचाना ये कौन है इस फोटो में, ये भी हमारे ऑक्सफोर्ड सेंटर में ये कौन है समझ में नहीं आ रहा है इतना, अब बोलेंगे तो तुरंत क्लिक होगा, बोलेंगे तो आप सब जानते हो मधुबन निवासी। एक मिनट स्पॉटलाइट करना पड़ेगा। हाँ जी ये भाई किसी को समझ में आता है तो हाथ खड़ा करो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, किसी को भी समझ में आ रहा है तो आप हाथ खड़ा करें, मैं आपको बोलने दो अनम्यूट करूंगा। एक मिनट हाँ भाई साहब, शिलू बहन तो नहीं है? हाँ शिलू बहन है, ये चश्मे वाली शिलू बहन है, ये शिलू बहन है जी। अच्छा, जी हाँ हाँ, और ये थोड़ा डाउट गया लेकिन फिर भी अलग लग रहा है। अच्छा शिलू बहन है, चश्मा है तो थोड़ा कम पहचाना। बाजू में कौन है? ये है जो गांधीनगर की बहन, मैं उनका नाम भूल गया, कैलाश बहन, कैलाश बहन, कैलाश बहन। अच्छा कैलाश दीदी है, अच्छा संदेशी, संदेश पुत्री जी, कैलाश दीदी और शिलू बहन ये दोनों जिस सेंटर में था वहां आए थे। ओके। उनके साथ एक भाई भी था, ये पता नहीं कौन इनका नाम है, ये भी इंडिया इंडिया का भाई आया ओके, था। ओके, साथ। ओके। ठीक है, ये तो दो लोकल्स हैं ऑक्सफोर्ड के, और ये है योगेश यहाँ जी। ये आज ये शिलू बहन को भी आज दिखाऊंगा, खुश हो जाएंगे पुरानी यादें। या तो रियली परिवार से बहुत बहुत मिला। एक तो और अनुभव सुना दो, फिर अगर आपके पास कुछ प्रश्न है तो जरूर पूछिए। एक तो मुझे याद है कि एक बार मधुबन में मुझे बोला था कि जो कल्चरल प्रोग्राम होता है ना कभी कभी, उस टाइम तो पहले बहुत होते थे, तो शिलू बहन ने मुझे पूछा था कि उसका जैसे कोऑर्डिनेटर बनना, और मेरा नाम अनाउंस कर दिया क्लास में कि जिसको भी कुछ करना है, कुछ प्रेजेंटेशन करनी है, गीत गाना है, तो योगेश को अपना नाम दे दो, और ये भी बोल दो कि हमको ये लाइट चाहिए है, माइक्रोफोन चाहिए है, म्यूजिक है। तो मतलब पूरे दुनिया थी उस टाइम, 30-40 देश से लोग थे, और उस शाम को कल्चर प्रोग्राम होने वाला था, तो पूरे दिन मेरे आगे इतने भाई बहने आए दुनिया वाले अपनी चिट्ठी के साथ कि हमको ये चाहिए है, इस टाइम ये कैसेट लगानी है, हमको दो माइक चाहिए है, ये लाइट चाहिए है। मतलब इतने पेपर मेरे पास आए और मुझे लगा कि मैं कैसे कर सकता हूँ ये, और कितने भाइयों से मुझे बात करनी है, लाइट वाला भाई के साथ या साउंड डिपार्टमेंट वाला के साथ, या कैसे कर सकता हूँ, कैसे मैं उनको ढूंढूंगा। तो फिर मेरे यही संकल्प था कि मुझे अगर मैं बाबा के साथ अपना कनेक्शन क्लियर रखूं, तो जिसको भी मैंने जिससे भी मुझे मिलना है वो मेरे आगे आ जाएगा। मैंने ये एक्सपेरिमेंट की और रियली मैंने देखा ऐसे हुआ कि मैंने जो चिट्ठी के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया, पढ़ा तो था जो चिट्ठियों में लिखा था, लेकिन मेरी बुद्धि बाबा के साथ कनेक्ट होनी चाहिए और मतलब योग योग स्थिति अनुभव करनी है। तो मैंने देखा कि जिस भाई को मेरे साथ कुछ काम था, कारपेंट्री वाला भाई या लाइट या साउंड डिपार्टमेंट वाला, तुरंत अपने आप वो मेरे आगे आ गए, है ना। मैं जैसे बैठा था मधुबन के कोर्टयार्ड में और वो भाई चल रहा है, या कोई बहन चल रही है, कोई वहां चल रहा है, तो ये मेरे लिए जैसे एक लेसन था कि ना सिर्फ उस प्रोग्राम के लिए लेकिन लाइफ में, सेवा में, कि सेवा तो हम सब करते हैं लेकिन ब्राह्मण लाइफ में ना सिर्फ सेवा है लेकिन बाबा की सेवा है, ये इस चीज से फर्क पड़ता है।
स्पिरिचुअल सर्विस एक चीज है, लेकिन बाबा की सेवा है। तो जब मेरे मन में ये संकल्प है ये बाबा की सेवा है, तो पहले पहले कम्स बाबा, फिर कम्स सेवा। और अगर मैं योग युग स्थिति में हूं, अगर मेरी बुद्धि रियली बाबा के साथ लगी हुई है, तो फिर नेचुरली वो सेवा इजी हो जाती है और हमको सहयोग मिलता है, है ना। ऐसे कोई नहीं सेवा कर सकता विदाउट बाबा। अगर बाबा के साथ कनेक्शन वीक है तो सेवा में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और थक जाते भी हैं और इतना एंजॉय भी नहीं करते। लेकिन जब पहले योग युग स्थिति हुई, फिर सेवा में लगे, तो एक तो एंजॉयमेंट लगती है, खुशी लगती है, और जिनसे भी हमको सहयोग की जरूरत है वो अपने आप हमारे आगे आ जाते हैं। ये जैसे हमारे ब्राह्मण लाइफ में एक सीक्रेट फॉर्मूला है कि जो भी प्रॉब्लम्स आए, ऑब्स्टिकल्स हमारे आगे आए, योग की शक्ति से उनको निकालना है। तो एक तो ये था, जैसे मधुबन में वो बहुत क्लियर स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस आया। एक बार याद है कि एक साल आई थिंक 88 था या 89 कुछ ऐसे, तो उस साल में मेरे लिए पर्सनली बहुत टेस्ट्स आए थे जहां मैं होता था लंदन में, ऑल काइंड्स ऑफ टेस्ट्स। लेकिन मेरा ये एक संकल्प था कि मैं अचल अडोल रहूंगा, आई विल बी अनशेकेबल, नो मैटर जो भी टेस्ट मेरे साथ आगे आए, आई विल बी अनशेकेबल। ये मेरा ऐसे स्लोगन हो गया फॉर द ईयर। और मुझे याद है कि जो नेक्स्ट ईयर में मधुबन गया था, तो अगेन उस टाइम बाप दादा तो आए थे ओम शांति भवन में, तो उस टाइम बाबा ने सिर्फ मुरली चलाई और ऐसे अनाउंसमेंट किया कि बाबा किसी से मिलेंगे नहीं, सिर्फ टोली और दृष्टि मिलेगी सबको, लेकिन कुछ बाबा के पर्सनल मीटिंग नहीं होगी। हम सब लंबी लंबी लाइन में खड़े हो गए, एक बहनों की लाइन, एक भाइयों की लाइन। तो बाबा सिर्फ ऐसे टोली दे रहे थे और दृष्टि, टोली दृष्टि, टोली दृष्टि। तो मुझे याद है जब मैंने एक टोली ली, तो बाबा ने ऐसे मेरे हाथ को ऐसे पकड़ा और बाबा ने कहा, अच्छल है ना, अच्छल। ऐसे तो मुझे लगा वाह, देखो ये तो मेरा स्लोगन था इस साल का, अच्छल अडोल रहना। तो जैसे बाबा ने कॉन्फर्म किया कि जो जो ध्यान मैंने रखा था, जिस बात पे मेरा ध्यान गया था, जो पुरुषार्थ में कर रहा था, वो बाबा देख रहे थे ऊपर से। तो जब बाबा ने कहा अच्छल है ना, अच्छल, तो लगा कि जो होल ईयर जैसे मैंने पुरुषार्थ किया, बाबा वॉज विद मी, मतलब बाबा वॉज वॉचिंग। ये भी लगा कि हर कदम में, एवरी मोमेंट बाप दादा देख रहे हैं जो भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। और अगर हम सच्चे दिल से कुछ भी पुरुषार्थ करें या कुछ हम हिम्मत से कुछ भी पुरुषार्थ करें, तो जरूर बाबा की हेल्प मिलती है। और ये भी देखो आज की दुनिया में जो कितना भय है, जो इतना क्रोध है आज की दुनिया में, कुछ सिक्योरिटी नहीं है। जिस लोग, कई लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, लक्जरीज हैं, सिक्योरिटी सिस्टम है घर में, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, लेकिन फिर भी अंदर ये वरी होती है। और हमको ऑपोजिट है, वरी फ्री, बेहद अनलिमिटेड केयर फ्री एम्परर। हमको सिर्फ इस पे ध्यान देना है कि बाबा के साथ हमारी बुद्धि का योग लगे और नेचुरली बाबा के जैसे कैनोपी ऑफ प्रोटेक्शन, छत्र छाया जो कहते हैं, तो इट्स अ रिमार्केबल लाइफ। के एक तरफ तो दुनिया इतनी इज शेकिंग शेकिंग विद फियर, और दूसरी तरफ हम लोग चल रहे हैं तो नए दुनिया को स्थापन करने के लिए। तो लास्ट फोटो दिखा दो जी। बिल्कुल। एक और मेरा जो अनुभव है, ये बचपन से ही मैं जैसे इन्वॉल्व हुआ अपने जैसे फैमिली को एंटरटेन करने में,
ड्रामा, छोटे छोटे ड्रामा करने, प्रोग्राम्स में ड्रामा करना, कुछ नाटक करना, उससे भी जैसे हमारी जो क्रिएटिविटी थी वो क्रिएटिविटी निकली, और वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि मन की जो एनर्जी होती है, क्रिएटिव एनर्जी जिसको हम कहते हैं क्रिएटिव इंटेलिजेंस, उसको जैसे अप्लाई करना है बाबा की सेवा में। उस टाइम तो जब मैं 15-16 साल का था, उस टाइम तो भाषण तो नहीं करूंगा, बड़े भाई बड़े बहने करेंगे, लेकिन मुझे वो कहते थे कि कुछ ड्रामा करो, जिस ड्रामा से कुछ ज्ञान दे प्रोग्राम में। तो मैं उसमें बहुत उसमें भी लग गया, ड्रामा करने में, एक्टिंग में। ये तो मधु ओम शांति भवन है, ओम शांति भवन, या तो this was actually Prince Charles. This is Prince Charles Madhuban में आ गया। I was acting as Prince Charles. ये भाई था मेरा बॉडीगार्ड। अच्छा। तो कहने का मतलब है कि मतलब it's very important कि अपनी creative energy को apply करना, especially as young person, है ना, कोई youth होता है, तो you need to express in some way अपनी creative energy को, या तो you know, you may be in, जो भी सेवा कर रहे हैं, लेकिन अगर क्रिएटिव एनर्जी अप्लाई नहीं करो तो फिर जैसे वो रेस्ट अंदर मन में रेस्टलेसनेस होती है। ये भी मैं मुझे ये अनुभव है, इससे बहुत मुझे फायदा मिला कि बुद्धि को चलाना है उसी चीज में, और वो भी सेवा है। पापा ने मुझे एक बार कहा था, एक एक्चुअली उस टाइम भोग मैसेज था, मुझे याद है 88 में मैं मधुबन से वापस विदेश जा रहा था, रामती थे सिर्फ उस दिन जा रहे थे, सतगुरुवार का दिन था, तो मोहिनी बहन मधुबन वाली वो तो वतन में गई, बाबा को भोग स्वीकार किया, और फिर बाबा ने एक मैसेज भेजा, और मुझे पूरा डिटेल याद नहीं है, लेकिन उसके एंड में बाबा ने यह कहा था कि जो आज जा रहे हैं उनके लिए बाप दादा एक सौगात देते हैं। बाबा ने कुछ दिखाया था, कुछ बॉक्स था, उसमें कुछ 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 लाइट्स थी, ये कुछ पूरा याद नहीं है, लेकिन ये शब्द याद है, बाबा ने कहा था कि रिसर्च करो और दूसरों को सर्च लाइट दो। ये बाबा हमको होमवर्क दे रहे हैं और दुआई दे रहे हैं। तो मेरे मन में ये लग गया, मुझे यह करना है, रिसर्च, ज्ञान का रिसर्च करो और दूसरों को सर्च लाइट दो। तो अलग अलग प्रकार के होते हैं सर्च लाइट। तो एक तो है कि मतलब कि हाउ टू एक्सप्लेन ज्ञान टू न्यू पीपल, साइंटिस्ट को कैसे समझाना है, या एंटरटेनर्स को कैसे समझाना है, या पॉलिटिशियन को कैसे समझाना है। तो ये जैसे मेरी क्रिएटिव चैलेंज मेरे को मिली बाबा से, ज्ञान को रिसर्च करना। तो अभी भी मुझे अच्छा लगता है कि मुझे छोटे छोटे मॉडल्स बनाना जिससे दूसरों को इजी लगे ज्ञान समझने में, या कभी कुछ इन्हें ड्रामा फॉर्मेट या कुछ डायलॉग फॉर्मेट, कुछ एक्टिंग, मतलब कुछ ना कुछ क्रिएटिव चैलेंज होना चाहिए कि बुद्धि रिमेन्स बिजी, है ना। एंड ये बहुत इम्पोर्टेंट है स्पेशली यंग लोगों के लिए, कीप द बुद्धि को बिजी रखना क्रिएटिविटी में, हमारी लाइफ ड्राई नहीं होनी चाहिए, है ना। ये ज्ञान इट्स नॉट जस्ट जैसे एकेडमिक प्रोफेसर बनना है, नहीं, उनको प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है, यूज करना है, सोचना है, एक्सप्लोर करना है। तो इन बातों से मुझे बहुत पालना मिली, और जो भी अंदर में है वो मतलब जो बाहर बाहर निकलता है, जो भी आत्मा में भरा हुआ है, इट कम्स आउट जब हम अपने आप को सेवा में अप्लाई करें। तो भाई साहब, लेट मी पॉज देयर, राम ओम शांति कहो। देखो आपको कुछ कहना है या कुछ पूछना है? जी जी, पहले डॉक्टर साहब और चंपा बहन, डॉक्टर साहब अनम्यूट करें आप। ओम शांति। योगेश भाई जी,
बहुत अच्छा आपका अनुभव सुनने को लगा और फोटो देख के तो और अच्छा लगा, क्योंकि बाप दादा के साथ उस टाइम बहुत इतना फोटोग्राफी नहीं थी, तो कोई कोई फोटो किसी किसी ने निकाला होगा, अभी जितना है उतना नहीं था उस टाइम, तो बहुत अच्छा लगा आपके फोटो देख के और बहुत खुशी हुई। डॉक्टर साहब योगेश भाई तो बहुत बचपन से ही बाबा के बन गए, तो बचपन के भी दिन याद दिलाए, सबके बचपन के दिन भी अच्छे होते हैं, आपके तो बहुत अच्छे रहे जो बाबा के साथ मिले और फोटोग्राफ्स भी इतने अच्छे अच्छे आपने दिखाए। और कोई भाई बहन कुछ कहना चाहते हैं? नरसी दादा कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी योगेश भाई, हमारे नरसी दादा कनाडा से जुड़ रहे, डेली अनुभव के सेशन का मजा लेते हैं, उनको बहुत आनंद आता है अनुभव सुन के। हाँ दादा बोलिए आप जी। हाँ योगेश भाई, उनकी स्पीच सुन के हमको लगा कि हमारे ये ब्रह्मा कुमार कुमारियों के अनमोल रत्न है, रियली एकदम नेचुरल। और मैं तो ऐसा समझता हूँ कि वो तो रिसर्च करेगा और चलता है, लेकिन मैंने भी सोचा कि उनका रिसर्च हम करें योगेश भाई का, क्योंकि ऐसा लेसन है, ऐसी स्पीच है, कुछ अनुभव ना भी सुनाए, थोड़ा थोड़ा बोले, तो भी हमको लगता है कि नहीं, रियल अनुभव, उनका अनुभव तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि सब दादियों के साथ जैसा बताया वो तो सब भाग्यशाली, कोई ऐसा भाग्य मिलता है। ओम शांति जी। आप भाई साहब कनाडा में हो आप? हाँ टोरंटो में है योगेश भाई, नरसी दादा टोरंटो में है। टोरंटो में ओके। तो योगेश भाई, नरसी दादा जो कहना चाहा उसको मैं कहूँ तो, और ये मेरा संकल्प उठा था कि आपके शब्दों में जैसे मुखर मौन है और जो एक योगी की भाषा में गंभीरता होनी चाहिए वो गंभीरता भी है, तो साथ साथ आवश्यक रमणीकता भी आपकी वाणी और आपके चेहरे पर झलकती है। और बाबा तो कहता है बैलेंस से ही ब्लेसिंग मिलता है, तो रमणीकता और गंभीरता का बैलेंस है। और चंबा बहन ने बहुत अच्छी बात कही, फोटो इतने साल के आपने संभाले हैं, ये बहुत कमों के पास ही होता है, तो आपने तो ये भी ट्रेजर ही कहेंगे। और जो आपने अनुभव सुनाए तो कई दफा हमने देखा आप कैसे उस सीन में चले गए, उस इमोशंस में आप आए, तो यही वो गीत मुझे याद आया, वो दिन भी कितने प्यारे थे ये दिन भी। योगेश भाई पूरा करो। ये दिन भी कितने प्यारे प्यारे है, वो दिन भी कितने प्यारे थे ये दिन भी कितने प्यारे है। और आपने बिल्कुल ठीक बात कही, आपने वो पालना ली है और आपका ये प्रयत्न रहता है कि अभी जो आत्माएं आ रही है, आने वाली है और आई है, उन आत्माओं को भी कैसे वो बाबा का प्यार, कैसे वो दादियों वाली पालना मिल पाए, इसके इंस्ट्रूमेंट बनना ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। रिसर्च की आप बात करते हो तो मैं समझता हूँ ये एक रिसर्च बड़ा आवश्यक है, क्या ऐसा नहीं लगता योगेश भाई, कि कैसे हमने जो पाया है दादियों से बाबा से, कैसे उन आत्माओं को प्यार और पालना मिले, तो बस वो खजाना हम जमा करें और वो रिसर्च के आधार से वो बांटे, तो शायद ये बहुत बड़ी सेवा हमारे द्वारा हो जाएगी। क्योंकि अब वो समय शायद ज्ञान सुनाने वाला अब कितना रहेगा वो तो नहीं पता, लेकिन वो प्यार और पालना जरूर सबको अच्छी लगती है, इससे ज्ञान और बाबा समझ में आ जाता है। तो आज आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें दादियों के साथ की सुनाई, पुरानी बातें याद की, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज की मुरली में एक बात थी और उसमें थोड़ा भारतवासियों का कॉन्सेप्ट अलग रहता है, आज था कि सारी दुनिया में, सारी दुनिया दुखी है, इस तरह से आज की एक पॉइंट है कि भले कितने भी करोड़पति है नामी ग्रामी, लेकिन हर कोई यहाँ इस वक्त इस दुनिया में दुखी है।
अब जहां तक भारतवासियों की योगेश भाई बात है, क्योंकि आप भी जानते हो भारतवासियों को, 100% नहीं लेकिन मेजोरिटी का यह है कि वो दुख को, पैसे की कमी को दुख समझा जाता है ज्यादातर, क्योंकि भारत अमीर देश नहीं है। लेकिन क्योंकि आप टर्की अर्थात यूरोप में है तो वहां धन की वो उतनी कमी की बात नहीं, यहाँ तो थोड़ा फर्क होता है। ये जरूरी नहीं हर एक को धन से ही दुख होता है, लेकिन फिर भी आप इस बारे में क्या कहते हो, क्योंकि धन से ही सारा सुख नहीं हो पाते हैं, तो वहां दुख किस प्रकार का होता है या हो सकता है लोगों को, ताकि लोगों की बुद्धि में अच्छे से बाबा की ये बात बैठे कि सारी दुनिया, सिर्फ भारत या एशिया खंड वाले नहीं, चाहे यूरोप है चाहे अमेरिका खंड वाले है, जिस भी कॉन्टिनेंट में जो भी है, इस वक्त बाबा ने आज का सारी दुनिया में दुखी दुखी है सब। आप इसको कैसे बता सकेंगे आपके अनुभव के आधार से, क्योंकि आपके पास वहां का अनुभव है। क्या है कि भारत में ये फैमिली स्ट्रॉन्ग है ना, फैमिली स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यूरोप में विदेश में लोगों को इतना प्यार नहीं मिलता, तो यहाँ की प्रॉब्लम है लोनलीनेस और डिप्रेशन। टर्की थोड़ा अलग है, यहाँ फिर भी थोड़ा ईस्टर्न मेंटालिटी है, फैमिली सपोर्ट है जी, लेकिन जनरली यूरोप में और अमेरिका में वेस्टर्न कंट्रीज में वो बच्चे वो जैसे इंडिविजुअल हो जाते हैं, और अगर कोई व्यक्ति 18-19 साल का है, स्पेशली अगर बॉय है, तो उसको एक्सपेक्टेशन है आप अपना फ्लैट ले लो, कहीं बाहर निकलो। अगर 20 साल का घर में माँ बाप के साथ है तो शर्म है, शर्म की बात है। बिल्कुल, तो अंदर में ये रिलेशनशिप का प्रॉब्लम होता है, स्वामान का प्रॉब्लम होता है, लोनलीनेस का प्रॉब्लम होता है, डिप्रेशन का प्रॉब्लम होता है, तो जो प्यार नहीं मिलता किसी व्यक्ति को, जो दिल खाली होता है, तो अगर दिल खाली होता है तो मतलब हमेशा वो कुछ किस चीज के पास भागता रहता है, कुछ कुछ चाहिए कुछ चाहिए। भारत में क्या है कि जैसे कह रहे थे कितना वेल्थी नहीं है, अमीर नहीं है, लेकिन भारत में रिजिलियंस बहुत है। रिजिलियंस को पता नहीं कैसे कहेंगे हिंदी में, जैसे अंदर की शक्ति है ना, तो पेशेंस है, और भारत में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं मतलब यू कैन फेस, यू हैव पावर टू फेस, इसलिए तो, और उस भारत की भूमि में तो बाप दादा आए थे, तो ये भी ब्लेसिंग्स है। और दुनिया को भी पता है कि भारत में सबसे ओल्डेस्ट कल्चर, मदर कल्चर तो वहां से ही है। बिल्कुल, तो अंदर से भी लोगों को पता है कि देयर इज समथिंग यूनिक इन भारत जो पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं तो यहाँ तक समझता हूँ योगेश भाई, हैप्पीनेस इंडेक्स फिर भी भारत वालों का ऊंचा है, चाहे उनके पास धन है लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स कंपैरेटिवली, क्योंकि वहां के, जो आपने तो गहरी बात बता दी और ऐसे ही मैं समझता हूँ, लेकिन भाई और बहनों ज्यादा इस बात को समझ पाए कि धन की कमी अगर है भी तो उसकी वजह से नहीं, दुनिया में बहुत दुख है जो आज बाबा ने बोला, तो संबंधों का सुख यहाँ सबसे ज्यादा भारतवासियों के पास है, और इससे एक यूनिटी बनती है, और यूनिटी से कोई भी प्रॉब्लम हम फेस कर सकते हैं, तो कंपैरेटिवली हम फिर भी बहुत भाग्यशाली है। बहुत अच्छा, अच्छा चलिए 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं और फिर सभा को पूरी